नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आज हम लोग वार्ड नंबर 27 में हैं और यहां के भावी प्रत्याशी हैं सुरेंद्र गुप्ता जी। सुरेंद्र गुप्ता जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा आरोहण किया और इस दौरान उनके तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें उनके घनिष्ठ मित्र अफरोज आलम, रूही गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, राजकुमार शर्मा, प्रभाकर शर्मा, बैजनाथ शर्मा, पंकज गौतम, राम प्रकाश शर्मा, सुनील शर्मा, गिरिराज शंकर गुप्ता, अनिल वर्मा, कैलाश सिंह और रामनारायण गुप्ता मौजूद रहे। आलम भी है और साथ में गुप्ता जी की पूरी टीम ने देखिए, उन्होंने झंडा आरोहण किया हुआ है और सारी तालियां सब लोग बजा रहे हैं। माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज 15 अगस्त का दिन है, आज पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे नारे और लगा दे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थोड़े भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, सुरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, सुरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, सुरेंद्र गुप्ता जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बात है कि आप लोग आए और शामिल हुए, इससे तो हमें बहुत खुशी ये मिल रहा है कि अब ये चीज समझ में आ गया है कि हमें यहाँ रहने कैसे हैं और क्या करने हैं। ज़्यादातर ना बोल के एक सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगा कि अपने कंदुनी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने जिंदगी भर हर आदमी के पीछे घूमा है, हर आदमी का झंडा डाया, हर आदमी का नाम का नारा लगाया, पीछे पीछे घूमा है। अब समय आ गया है हमें बदलने का। हम लोग भी सोचते हैं कि कोई ऐसा चीज़ मिले जहाँ हम लोग खड़ा होकर चार बातें कह सकें, चार बातें सुन सकें। कोई भी समस्या हो तो आदमी बात करने के लिए आगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा विधायक मंत्री नेता उसी टाइम मिलते हैं जब वोट लेना होता है। उस टाइम आपको हर चीज मिलेगा, हर सुविधा भी मिलेगा, लेकिन जीतने के बाद सारे सुविधा खत्म, हर चीज खत्म। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके बीच, आपके कॉलोनी में से सुरेंद्र गुप्ता जी काफी मेहनत कर रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि इनके घर अगर आना होगा तो आप लोगों को 5 मिनट लगेगा। जब आने में 5 मिनट लगेगा तो काम होने में भी 5 ही मिनट लगेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सुरेंद्र गुप्ता जी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे कॉलोनी के लिए और हम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। हम लोगों ने 10-20 साल से यहाँ कमा रहा है, हम लोगों ने क्या करा है? कुछ नहीं करा है। आज अगर छोटी सी कोई बात हो जाए तो आप लोगों के पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप लोगों ने किसी को बनाया ही नहीं अपने में से। जब आप अपने में से किसी को खड़ा करके बनाओगे तभी तो आपका समस्या के बारे में वो समझेगा। जब अपने आदमी को किसी को खड़ा ही नहीं करोगे, ना उसको सपोर्ट करोगे, ना उसके साथ जाओगे, ना उसके साथ बैठोगे, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी वैसा ही होगा। गांव में एक कहावत होता है कि हम खेत में अगर धान रोपेंगे तो धान ही काटेंगे, गेहूं नहीं काट सकते। क्यों? वही हाल यहाँ है। अगर हम दूसरे के पीछे घूमेंगे, जब दूसरे को जिताएंगे, दूसरे को नेता बनाएंगे, तो यहाँ
अपना तो वही हाल होना है जो अभी हो रहा है और होने वाला है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा मौका मिला है, टाइम आया है, इसको बदलिए थोड़ा सा। हम ये कह रहे हैं सबको छोड़ के एक सुरेंद्र गुप्ता जी को एक बार जिताइए। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि परमानेंट गुप्ता जी ऐसे ही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इनको जिता के देखते हैं। कम से कम जो सड़कों का हालत है, नालियों का है, बिजली का, ये हालत तो जरूर सुधरेंगे, और नहीं तो 5 साल में तो कोई ये परमानेंट हो नहीं रहे हैं। 5 साल बाद अगर नहीं करेंगे फिर दूसरे उठाएंगे। लेकिन हम एक ही चीज को बार बार लाला के परेशानी से जूझ भी रहे हैं। हमारे घर परिवार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कोई मेहमान आ जाए, कोई यार दोस्त आ जाए, उसको बुलाने से पहले सोचा जाता है बारिश तो नहीं हुआ है, कहीं नाली से पानी तो नहीं निकला है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। हम लोग खोजते हैं कि कोई जगह मिले जहां बैठ के खड़ा होकर बात कर सके, आंखें में आंख डाल के बात कर सके। वो मौका आज एक प्लेटफॉर्म तौर पर आया है आम आदमी पार्टी का, सुरेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से। इस चीज पर अगर हम चाहें तो हर आदमी आवाज लगा सकते हैं, हर आदमी लड़ सकते हैं। अब तो सपोर्ट भी ये सब कुछ है। अगर अब नहीं हम बदलाव लाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि फिर कभी बदलाव मिलेगा। तो जो हाल हमारा बीत गया है, कोई गारंटी नहीं कि हमारे बच्चे ये हाल से रह सके। स्वतंत्रता दिवस पे अपने वार्ड के 27 नंबर वार्ड की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं यही चाहता हूं कि इस बार बदलाव करें जो हमारे एरिया का समस्या है, समस्या को देखते हुए। और इस समस्या को आम आदमी पार्टी से मैं खड़ा हो रहा हूं और सब सहयोग करें, और मेरा जहां तक उम्मीद है कि मैं ये समस्या दूर करूंगा। जो भी गली का समस्या है, रोड नाली का समस्या, वो सब दूर करेंगे हम। और हमारा प्रयास यही है कि आम आदमी पार्टी आएगी, यहाँ का जो भी विकास का काम रह गया उसको हम पूरा करेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को जिताया जाए बस, क्योंकि यहाँ समस्या 25 सालों से आज तक ऐसी ही रही है। जैसे समस्या कच्ची रोड, कच्चे सड़क और नाली, उसकी कोई सुविधा नहीं है, पर इसका बदलाव होना चाहिए। आम जन नहीं हुआ बिल्कुल भी, नहीं कोई किसी ने काम को कुछ नहीं किया हुआ है। आज स्वतंत्रता दिवस है, आप गुप्ता जी को समर्थन देने आए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, काम हुआ है या नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पे सारे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी चीज, जैसे कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, अभी मुझे 1 साल हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई विकास नहीं है। यहाँ पे जितने भी नालियाँ हैं, रोड हैं, जैसे कि भाई साहब ने अभी थोड़े देर पहले बताया है कि कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि ऐसी स्थिति में हम कैसे बुलाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की समस्या यही है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि इनके जैसे इन्होंने देखा है कि हर चीज़ में आगे हैं, तो हम सोच रहे हैं किसी तरह से इनका साथ दे करके कुछ विकास का काम यहाँ किया जाए और यहाँ पर सफाई का रखा जाए ध्यान। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, क्या अगले स्वतंत्रता दिवस पर गुप्ता जी वार्ड में एक नया पद पर आ पाएंगे, एक नए पद पर? हम तो कहेंगे कि गली में जितने भी विकास आज तक नेता जो भी जीते, कोई विकास नहीं हुआ। गली में कीचड़, पानी, सब आने जाने में सब कोई को परेशानी होता है। दिल्ली सब लोग कमाने जाते हैं, जब शाम को आते हैं तो घंटों कीचड़ में उनको घर के नज़दीक जाना पड़ता है। तो हम तो कहेंगे कि एक बार सुरेंद्र गुप्ता जी को चांस दीजिए आप 27 नंबर वार्ड से। हरदम के लिए तो है नहीं, हरदम के कभी केजरीवाल आते हैं, कभी कोई नई पार्टी आती है, कभी मोदी जी आते हैं। तो हम कहेंगे कि एक बार सुरेंद्र गुप्ता जी के चांस दिया जाए 27 नंबर वार्ड से, कि गली का सुधार हो जाए, पानी का, सब चीज़ का समस्या दूर हो जाए, आने जाने की समस्या दूर हो जाए। जब बारिश होती है तो यहाँ बहुत कठिन से लोग गुजरते हैं। हमारे साथ एक सज्जन और भी हैं जो मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गुप्ता जी को ये किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं। जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, काम हुआ कॉलोनी में या नहीं हुआ, 5 साल में सरकार आई या चली गई? हमारे कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ है। गुप्ता जी आएंगे आम आदमी पार्टी से तो काम करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि इनको एक बार मौका दें, जिताएं, कुछ काम करें बढ़िया। नाली का भी काम होगा, लाइट का, जितना भी होगा काम,
गुप्ता जी करेंगे अपना। अभी गुप्ता जी क्या कर रहे हैं घर? हाँ अभी तो काम ही कर रहे हैं, सबका सेवा कर रहे हैं, सबका जी वो भी है, जितने जनता का सेवा कर रहे हैं उनका। इनका भी रिव्यू लेना चाहेंगे। गुप्ता जी अभी वार्ड में किस प्रकार की समस्या सॉल्व कर रहे हैं? बिजली की सॉल्व कर रहे हैं। अभी बिजली का तो काम चल ही रहा है, बिजली का कर रहे हैं, और लोगों की जो भी थाने वाने की समस्या वो भी सॉल्व करते हैं अपना बैठ के। अभी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा काम हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या गुप्ता जी इस पद पर, अब जो आने वाले समय में गुप्ता जी पक्का पार्षद बनेंगे इस बार, और अगली बार विधायक भी बन सकते हैं, ठीक है। और मेरा सपोर्ट पूरा है, अगर जैसे कोई आम आदमी पार्टी की शपथ लेता है कि मैं उसको वोट दूंगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है तो उसको 10% की छूट भी दूंगा।